इंडियन वर्सेस ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी। वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर करीब 200 साल तक राज किया, और जब लंबे संघर्ष, आंदोलनों और अनेकों बलिदानों के बाद फाइनली 1947 में हमें ब्रिटिश रूल से आजादी मिली, तब बहुत सी ऐसी चीजें थीं जो ब्रिटिशर्स यहां छोड़ गए। कहने का मतलब है कि ब्रिटिश लेगेसी के रूप में इंडिया ने बहुत से सिस्टम को इनहेरिट किया, फिर चाहे वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर हो इंडियन ब्यूरोक्रेसी। जी हां, इंडियन ब्यूरोक्रेसी एक तरह से ब्रिटिश लेगेसी ही है। आजादी के बाद बहुत से लोगों ने इसे अबॉलिश करने की डिमांड भी उठाई थी, लेकिन तत्कालीन इंडियन होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके सपोर्ट में खड़े हुए और उन्होंने इसके कंटिन्यूएशन की जरूरत को बताया। और तब से लेकर आज तक इंडियन ब्यूरोक्रेसी ने पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पर अपना कंट्रोल बनाया हुआ है। लेकिन यहां एक सवाल ये उठता है कि ब्रिटेन, जहां से इस सिस्टम की शुरुआत हुई थी, वहां खुद ब्यूरोक्रेसी किस तरह काम करती है? क्या इंडियन और ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से सिमिलर हैं, या ये बिल्कुल अलग तरह के सिस्टम्स बन चुके हैं? आज हम इसी सवाल पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि इंडियन और ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी, जिनकी शुरुआत तो एक जैसी ही थी, आज किस तरह इनके बीच डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इंडियन वर्सेस ब्रिटिश सिविल सर्विसेज। दोस्तों, इंडिया में आज जब सिविल सर्विस की बात होती है तो अक्सर लोग इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी IAS की बात कर रहे होते हैं। हजारों की संख्या में मौजूद बाकी के पब्लिक सेक्टर स्टाफ को बड़ी आसानी से नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन ब्रिटेन या यूके में ऐसा नहीं है। वहां इस तरह का कोई स्टार्क डिस्टिंक्शन देखने को नहीं मिलता, और IAS का कोई डायरेक्ट इक्विवेलेंट वहां मौजूद नहीं है। हाँ, ऑफिसर्स का एक काडर होता है जो मोस्ट सीनियर रोल्स की पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, उसे वहां सीनियर सिविल सर्वेंट्स यानी SCS नाम दिया गया है। लेकिन इन पोजीशंस को जनरली एक IAS ऑफिसर की तरह प्रेस्टिजियस नहीं माना जाता। यूके में जहां 6.6 करोड़ की पॉपुलेशन पर 5000 SCS मौजूद हैं, वहीं इंडिया में 134 करोड़ की पॉपुलेशन पर 5000 IAS ऑफिसर्स मौजूद हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि इंडिया में एक IAS ऑफिसर का वर्कलोड यूके के SCS से कितना ज्यादा रहता होगा। दोस्तों, ये तो बात हुई दोनों देशों में टॉप लेवल पर ब्यूरोक्रेसी की प्रेस्टीज को लेकर। अब डिस्कशन को आगे ले जाते हुए इंडिया और यूके में सिविल सर्विसेज के एडमिशन प्रोसेस के अंतर को समझ लेते हैं। एडमिशंस। एक IAS ऑफिसर बनने के लिए आपको करियर की शुरुआत में ही डिसाइड कर लेना होता है कि ये पाथ आप परस्यू करने वाले हैं, और उसके बाद ग्रोलिंग UPSC एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। इन एग्जाम्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी एंड करंट अफेयर्स और एथिक्स तक को कवर किया जाता है। कुछ चुनिंदा लोग ही रिटन एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं, और फिर उनका सामना होता है इंटरव्यू पैनल से, जिसे चेयर करते हैं UPSC के चेयरमैन और चार अन्य ब्यूरोक्रेट्स और एकेडेमिक्स। हर साल लाखों एप्लीकेंट्स में से मुश्किल से 100 को ही मौका मिलता है IAS की प्रेस्टिजियस रैंक्स में एंटर करने का। वहीं यूके में SCS बनने के लिए मल्टीपल रूट्स का ऑप्शन रखा गया है। जनरली वहां लोग जूनियर सिविल सर्वेंट के रूप में अपने करियर की शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे प्रमोशन लेते हुए SCS तक पहुंचते हैं। साथ ही SCS के लिए प्रमोशंस सोली मेरिट पर बेस्ड होते हैं, ना कि टेन्योर पर। लैडर में ऊपर जाने के लिए लगातार कई गुड एनुअल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस के साथ साथ हर पोस्टिंग पर मल्टीपल जॉब इंटरव्यूज देने पड़ते हैं। यहां परफॉर्मेंस को डिटेल्ड सिविल सर्विस कॉम्पिटेंसीज के अगेंस्ट रिगरसली टेस्ट किया जाता है। वैसे तो SCS बनने के लिए कोई सेट टाइम पीरियड नहीं है, लेकिन टिपिकली इसमें 10 से 15 साल लग ही जाते हैं। SCS में लैटरल एंट्री भी पॉसिबल है, लेकिन एज अ रूल इनका नंबर बहुत कम रहता है, और लैटरल एंट्रेंट्स के पास प्राइवेट सेक्टर में या एज पॉलिटिकल एडवाइजर्स सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है। अगर जूनियर सिविल सर्विस में एंट्री की बात करें तो ये या तो फास्ट स्ट्रीम प्रोग्राम के थ्रू होती है या एक्सटर्नली एडवर्टाइज्ड जॉब्स के लिए ओपन रिक्रूटमेंट के थ्रू। फास्ट स्ट्रीम प्रोग्राम और IAS एडमिशन में कुछ हद तक सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन फिर भी इसके लिए जरूरी प्रेपरेशंस IAS एग्जाम से थोड़ी कम एक्सटेंसिव होती हैं।
एप्लीकेंट्स को सबसे पहले इंग्लिश और मैथ्स टेस्ट का सामना करना होता है, जिसके बाद एक साइकोमेट्रिक इवैल्यूएशन होता है, और फिर बारी आती है सबसे कठिन माने जाने वाले ई ट्रे एक्सरसाइज की। इस एक्सरसाइज के दौरान कैंडिडेट्स को एक तरह से एक सिविल सर्वेंट होना कैसे होता है उससे रूबरू कराया जाता है। इन्हें एक मॉक ईमेल अकाउंट का एक्सेस दिया जाता है, जहां कैंडिडेट्स को सीरीज ऑफ अर्जेंट ईमेल्स और ब्रीफिंग रिक्वेस्ट सेंड की जाती हैं, जिस पर इन्हें रिस्पॉन्ड देना होता है। फाइनली असेसमेंट्स का एक दिन रखा जाता है, जहां कैंडिडेट्स रिटन पॉलिसी एग्जाम, वन ऑन वन इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशंस और लीडरशिप एक्सरसाइज में पार्ट लेते हैं। और ये सब कुछ एक साइकोलॉजिस्ट की नजर में होता है, यानी कि इंडिया के यूपीएससी एग्जाम की तरह ही फास्ट स्ट्रीम प्रोग्राम भी सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट्स को विगरसली टेस्ट करता है। हालांकि यूके की मोस्ट पॉपुलर ग्रेजुएट स्कीम्स होते हुए भी इस एग्जाम में सक्सेस रेट इंडिया के आईएएस एग्जाम से बहुत ज्यादा है। करीब 1000 पोस्ट्स के लिए सिर्फ 30,000 एप्लीकेंट्स ही फाइट करते दिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया में सिविल सर्विसेज का एग्जाम यूके के मुकाबले बहुत ज्यादा कंपेटिटिव है। ये तो बात हो गई सिविल सर्विस एग्जाम्स के पैटर्न और उसकी डिफिकल्टी लेवल को लेकर। अब सिविल सर्विसेज में एंट्री के बाद बारी आती है ऑफिसर्स के ट्रांसफर्स की। तो आइए जानते हैं ट्रांसफर्स को लेकर दोनों देशों की सिविल सर्विसेज में क्या सिमिलैरिटीज या डिससिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं। ट्रांसफर्स, दोस्तों, विद इन द आईएएस ट्रांसफर्स काफी रेगुलरली होते हैं। एक सीनियर इंडियन ब्यूरोक्रेट जिनके पास 30 साल का एक्सपीरियंस है, वो बताते हैं कि उन्होंने अपने करियर में 50 डिफरेंट पोस्टिंग्स पर काम किया। इसके साथ ही कई बार ये ट्रांसफर्स बिल्कुल ही अनरिलेटेड डिपार्टमेंट्स में कर दिए जाते हैं। एक सिविल सर्वेंट का पर्सनल इंटरेस्ट या पैशन तो शायद ही कभी ट्रांसफर के समय कंसिडर किया जाता हो। वहीं यूके में ट्रांसफर की जगह सिविल सर्वेंट्स को नई पोजीशंस और प्रमोशंस के लिए खुद अप्लाई करना होता है। यहां सिविल सर्वेंट्स ऐसी जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं और इंटरव्यू देते हैं जिनमें उनका इंटरेस्ट हो, या जिस जॉब से इनका स्किल सेट एक्सपैंड होता हो, या फिर जॉब देश के उस हिस्से में हो जहां ये काम करना चाहते हैं। यानी कि यूके में सिविल सर्वेंट्स अपनी चॉइस और इंटरेस्ट के हिसाब से पोस्टिंग्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। हाँ, ये सच है कि कई सिचुएशंस में एससीएस को भी शॉर्ट नोटिस पर न्यू रोल्स लेने के लिए फोर्स कर दिया जाता है, या सीनियर पॉलिटिशियंस के प्रेफरेंसेस की वजह से डिपार्टमेंट में इनका पोर्टफोलियो शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन ये केसेस एक नॉर्म न होकर एक्सेप्शन की तरह हैं। दोस्तों, ये सभी डिफरेंसेस ऐसे तो बहुत ही माइनर लग सकते हैं, लेकिन इनका एक बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलता है। आइए जानते हैं कैसे। इंपैक्ट, यूके और इंडिया में सिविल सर्विसेज की मैनेजमेंट में जो अंतर हमने अभी तक डिस्कस किए, वो एक बार को इनसिग्निफिकेंट लग सकते हैं, लेकिन सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के करियर पाथ्स में ये बहुत बड़ा अंतर लेकर आते हैं। जैसे कि यूके में एससीएसएस टिपिकली अपना ज्यादातर समय लंदन, एडिनबरा या ऐसी ही किसी मेजर सिटी में स्पेंड करते हैं, और पॉलिसी, स्ट्रेटजी और लार्ज स्केल इंप्लीमेंटेशन पर अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं। इनका काम रिलेटिवली नैरो रेंज इश्यूज पर फोकस रहता है, जो इनके द्वारा चुने गए स्मॉल नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स पर बेस्ड होता है। वहीं इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर इंडिया की बात करें, तो एक आईएएस ऑफिसर को गवर्नमेंट के हर लेवल और हर पॉसिबल टॉपिक पर काम करना होता है। यहां एक ब्यूरोक्रेट की पोस्टिंग स्मॉल रूरल डिस्ट्रिक्ट में ऑन ग्राउंड पब्लिक फेसिंग रोल से लेकर नेशनल लेवल पर हाई लेवल स्ट्रेटेजिक पोस्टिंग्स तक रेंज कर सकती है। अपने एंटायर करियर के दौरान एक आईएएस ऑफिसर को माइंड बॉगलिंग अरे ऑफ इश्यूज पर काम करना पड़ता है, जिसमें वो गवर्नमेंट फंक्शनिंग के लगभग हर पार्ट को टच कर लेता है। इसलिए इंडियन ब्यूरोक्रेट्स हमेशा ही एक जनरलिस्ट के रोल में रहता है। दोस्तों, दोनों ही एक्सपीरियंसेस के अपने अपने प्रोज और कॉन्स हो सकते हैं। जैसे कि इंडियन ब्यूरोक्रेट्स जहां एक तरफ वाइड रेंज ऑफ इश्यूज पर एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं, वहीं यूके के ब्यूरोक्रेट्स अपनी इंडिविजुअल फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं। हालांकि सबसे जरूरी बात यह है कि दोनों ही सिस्टम्स अगर एक दूसरे की ब्रेथ और डेप्थ को इनकॉर्पोरेट कर लें, तो खुद को और बेटर बना सकते हैं। कंक्लूजन, दोस्तों, हमने देखा कि किस तरह आज ब्रिटिश और इंडियन ब्यूरोक्रेसी का एडमिशन प्रोसेस, इनकी प्रेस्टीज और इनका मैनेजमेंट बिल्कुल अलग तरीके से काम कर रहा है। ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी जहां एक तरफ ज्यादा से ज्यादा स्पेशलाइजेशन, फ्लेक्सिबिलिटी और एफिशिएंसी की तरफ बढ़ गई है, वहीं इंडियन ब्यूरोक्रेसी
आज भी लार्जली कॉलोनियल लेगेसी को फॉलो कर रही है, जहां पॉलिटिकल प्रेशर्स के साथ साथ रिजिड हायरार्की, अब्रप्ट ट्रांसफर्स और इमेंस वर्कलोड का सामना इंडियन ब्यूरोक्रेट्स को करना पड़ता है। दोनों के कंपैरिजन से हम इतना जरूर कह सकते हैं कि इंडियन ब्यूरोक्रेसी का ओरिजिन भले ही ब्रिटेन से हुआ हो, लेकिन आज के समय में इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है।